आईसीसी के नए बॉस का फरमान, भारत के बिना नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नई नई रिपोर्ट सामने आ रही है, नई नई खबरें सामने आ रही हैं, और अब तो हद हो चुकी है। पाकिस्तान जो होस्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, अब उनसे होस्टिंग राइट्स छीन सकती है आईसीसी। इसके पीछे बड़ी वजह सामने ये निकल के आ रही है कि भारत जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाला, जिसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को बॉयकॉट करने का इरादा किया है। और ये बताया है कि अगर भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो आने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर यूं कह लीजिए कि भारत में जो आईसीसी इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि होस्टिंग राइट पाकिस्तान से छीन लिए गए तो फिर दो लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, पहला आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दूसरा पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और वो कहते हैं ना कि अगर होस्टिंग राइट्स छिन गए तो पाकिस्तान ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पर भी चर्चा काफी टाइम से चल रही है, लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं हो रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ये टूर्नामेंट ऑपरेट कराया जाए। पहले जो ड्राफ्ट भेजा गया था उसमें पाकिस्तान ने जो भारत के मैचेस हैं वो लाहौर में कराने का फैसला किया था, एक ही स्टेडियम में भारत के मैचेस कराए जाने थे लाहौर में, और दो वेन्यू और थे रावलपिंडी और कराची में, जहां पर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ऑपरेट किया जाना था। लेकिन अब दिक्कत परेशानी ये है कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो आईसीसी जो फंडिंग करेगा पाकिस्तान को इस पूरे टूर्नामेंट के लिए वो भी रोक सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान को टाटा बाय बाय हो जाएगा आईसीसी की तरफ से, क्योंकि भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करने वाली, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। 2008 के बाद भारत ने पाकिस्तान का रुख नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया, कोई सीरीज नहीं खेली, उसके बाद जब भी आमने सामने हुए तो आईसीसी इवेंट्स में हुए, दूसरे देश में हुए, न्यूट्रल वेन्यू पर हुए, हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप जो पिछला खेला गया था वहां पर श्रीलंका में भारत के मैचेस कराए गए। तो इस टूर्नामेंट के लिए भी यही था कि दुबई में भारत के मैचेस होंगे और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्टेंस पाकिस्तान ने नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसा बोला कि बीसीसीआई ने हमें कुछ नहीं बताया, और बीसीसीआई आईसीसी को कन्वे कर चुका है और आईसीसी ने पीसीबी को बीसीसीआई का जो डिसीजन है वो बता दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने बीसीसीआई को ये बता दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, जिसके बाद बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा, पाकिस्तान हरकत में आया, मीडिया को एड्रेस करते हैं मोहसिन नकवी जी और बताते हैं कि पाकिस्तान काफ़ी कड़ा रुख अपनाएगा और हमसे हर बार अच्छे की उम्मीद ना करें भारत, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें बोली हैं, अच्छे करने की कोशिश करी है, लेकिन इनको याद नहीं है कि इनके जो रमीज़ राजा जी हैं वो कहते हैं कि दुश्मन मुल्क ना आए, ये कर दें वो कर दें। इससे पहले भी रमीज़ राजा के कुछ स्टेटमेंट्स रहे थे कि भारत को लेकर, जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब ने पद संभाला, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हर 6 महीने में पद चेंज होते रहते, लेकिन मोहसिन नकवी भी इस बार अपनी आवाम को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होगा आईसीसी को भी और पीसीबी को भी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भारत नहीं खेलेगा, तो इससे पूरे क्रिकेट फर्टिनिटी का नुकसान है।